तो हेलो भाई लोगों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होगे। तो भाई लोगों, आज हम बात करने वाले हैं फनी एडवर्टाइजमेंट के बारे में। भाई जब आप कोई अमराज जी लेने आए तब आपको कुछ नहीं करना है, बस ये पूछना है कि आपको स्वर्ग में इंडिया देसी घी मिलने लगा। आंटी जी, आंटी चलिए। अब तुम्हारे स्वर्ग में नमस्ते इंडिया देसी घी मिलने लगा? नहीं, नमस्ते इंडिया देसी घी तो नहीं मिलता, लेकिन हम क्या करें, हमारा टारगेट है आंटी जी। तुम्हें टारगेट ही पूरा करना है ना। हाँ। बद्री प्रसाद को लेके जाओ। बद्री प्रसाद? वो टॉप फ्लोर वाला बुड्ढा घूर घूर के देखता है, जा लेके जा। ये तो अच्छा आइडिया है, टारगेट तो टारगेट है। आंटी जी एक लड्डू ले लूं? हाँ ले लो, चलो निकलो। नमस्ते इंडिया देसी घी से बने खाने के आगे सबका मन फिसल ही जाता है। नमस्ते इंडिया देसी घी। भाई जब एक काली लड़की को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले होते हैं, तब उसके आगे का नजारा देखिए क्या होता है। बेटे कल तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। पर माँ, मेरी त्वचा, दीदी इंस्टेंट टैनर चाहिए तो ये लो। कुछ भी तो ये लो। साधारण क्रीम असर दिखाई 5 दिनों में, पर बजाज CFL से पाइए बस 1 सेकंड में उजला गोरा रंग। Oh my God! Wow! जब आपको लेने यमराज जी फिर से आ जाएं, तब आपको कुछ नहीं करना है, बस 1 किलो मिठाई बना लेनी है, वो भी उसी घी की जो कि पहले थी। फिर क्या हो गया काम? पता था तो लौट के आएगा, इसलिए मैंने पहले से ही बना के रखा है। आंटी जी इस सबकी आंटी जी आज आपको चलना पड़ेगा। कहाँ चलना पड़ेगा, हट। और यमू, ये जोकर कौन लेके आया अपने साथ? कलीग है हमारा चित्रगुप्त। और हमारे हिसाब से आपका अकाउंट तो 3 साल पहले ही बंद हो जाना चाहिए था। हाँ आंटी जी चलिए, चलो देखा निकलते। लेकिन जाने वाले की अंतिम इच्छा पूछोगे भी नहीं? नहीं नहीं नहीं, करेक्ट। अपनी पुस्तक में देखो लिखा है।